सोलन में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयोजक पुनीत कपूर ने प्रेस वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जानकारी दी और बताया कि जिला सोलन में 21 जून को सुभाथू बद्दी नालागढ़ परवाणु दाड़ला घाट में 10 स्थानों पर एक साथ 5,000 लोगों को योग करवाएंगे। इस मौके पर उपस्थित लोगों को योग की विस्तार से जानकारी भी प्रदान की जाएगी। उन्हें योग आखिर क्यों करना चाहिए इस बारे में जागरूक करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु योगेंद्र योगी द्वारा उपस्थित लोगों को सोलन के दुर्गा क्लब में योग करवाया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयोजक पुनीत कपूर ने बताया कि इस बार वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष तौर पर जेल में बंद कैदियों को योग के टिप्स देंगे, क्योंकि कारावास में कैद योगियों को मौका नहीं मिल पाता कि वो योग सीख सकें और अपने को स्वस्थ रख पाएं। इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 21 जून को जिले में तकरीबन 5,000 लोगों को योग के बारे में विस्तृत ज्ञान व जानकारी प्रदान की जाएगी। योग दिवस पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पर शिविर सिखा रहे हैं, विशेषतः सोलन क्षेत्र के हम 10 जगह पर ये शिविर सिखा रहे हैं। सपाटू है, पर यहाँ आसपास के क्षेत्र हैं, चंबाघाट का क्षेत्र हो गया, तो ये लगभग 10 जगह पर हम ये शिविर सिखा रहे हैं जिसमें निशुल्क योग सिखाया जाएगा 21 जून पर, और योग के लिए एक जागरूकता अभियान चल रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम विशेषतः कैदियों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं जो जेल में यहाँ के कारावास में सिखाया जाएगा। कैदियों को इस तरह के मौके नहीं मिल पाते हैं कि वो भी अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर पाएं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने एक विशेषता उनके लिए रखा है और हम 4,000 से 5,000 लोगों को इसमें टारगेट कर रहे हैं कि वो आएंगे इसमें और हमारे साथ सहभागी बनेंगे। श्री श्री रविशंकर जी का उद्देश्य पूरे विश्व के लिए हमेशा से रहा है कि योग के माध्यम से लोग तनाव से मुक्त हों और एक अच्छा समाज बने जो शरीर से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से शांत हो। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.